गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं नहा भी चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज घर में कोई सब्जी नहीं थी तो मैं बना रही हूँ आलू। हिटलर हस्बैंड जी का फेवरेट आलू। घर में हमारे कुछ ना हो तो क्या बनाओ, आलू। आलू क्या है, सब्जियों का राजा। तो इसलिए हमारे यहाँ बनता है बहुत ज़्यादा आलू। तो चलिए फटाफट से हिटलर हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे देते हैं और अपना आजकल का काम शुरू करते हैं। और फ्रेंड, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि आपने जिठानी के अपने ऊपर बहुत कम मिठाई दी और उन्होंने इतनी सारी दी। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ मिठाई खाई जाती है लेकिन ऊपर नहीं खाई जाती, क्योंकि भाभी जी को है शुगर और नकुल रहता है अपनी जॉब पे और प्रिया अनाइका नहीं खाती है मिठाई। तो ये रीज़न है, उनको ये लगता है कि ये फटाफट से सलड़ जाए। अगर हम ऊपर मिठाई दे भी देते हैं तो 15 दिन में 10 दिन में वो सड़ के नीचे ही आती है हमारे खाने के लिए। तो इस रीज़न से, वैसे हमारे यहाँ ऐसा कोई धुआतपन नहीं है। जैसे कि लोग पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, मेरे को तो समझ में ये नहीं आता कि कहाँ से कैसे आप क्या क्या देख लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा, इसीलिए आप लोगों को वो ही कमियाँ ढूंढते रहते हैं। और ऐसी कमियाँ हमारी फैमिली में कुछ नहीं है, हमारी एक जॉइंट फैमिली है और हम लोग साथ में मिल करके रहते हैं। तो चलिए फटाफट से दे देते हैं नाश्ता। वैसे मुझे क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे वो कमेंट पढ़ के थोड़ा अजीब लगा तो मैंने सोचा कि चलो उसका जवाब दे देती हूँ, क्योंकि रिटर्न में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं इतना लंबा कमेंट लिख करके एक्सप्लेन करूँ, इसीलिए मैं बोल करके बता रही हूँ। तो चलिए फटाफट से नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो हिटलर हस्बैंड जी, आज कैसे लग रहा है आपको अपने फेवरेट आलू खा के? हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी सोकर नहीं उठा हूँ। जब मैं सोकर ही नहीं उठा तो बताऊँगा क्या मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा। वैसे हमारे घर में आलू इसलिए बनते हैं, बदनाम मैं होता हूँ। सब्जियाँ किसी को कोई पसंद नहीं आती, कोई कहता है मैं भिंडी नहीं खाऊँगा, कोई कहता है मैं टिंडे नहीं खाऊँगा। और जालिम वाइफ 40 सामान में 80 सामान नहीं खाती, जो भी बनाओ मैं तो ये नहीं खाती, मैं ब्रेड नहीं खाती, मैं तो ये नहीं खाती। और अपने आप को बहुत शरीफ बनती है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कुछ भी कह दो मैं तो ये नहीं खाती, मेरे यहाँ तो ये नहीं बनता। तो बनता क्या है ये पता चल जाए हमें। तो फ्रेंड देख लिया आपने हिटलर हस्बैंड जी की भड़ास, खुश हो गए आप लोग? तो आप ये बताइए कि मैं क्या नहीं खाती हूँ। मैं आपको सब चीज़ें खाती हुई मिलती होंगी, लेकिन अगर कोई सब्जी नहीं है तो आलू। अब हिटलर हस्बैंड जी सब्जी नहीं लाए 8-10 दिन से, तो वो क्या कहेंगे अपनी, यही कहेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। ये देखो ये जालनी वाइफ के सुबह सुबह नाश्ते में ना, ये क्या होता है, पेस्ट्री केक वगैरह पता नहीं। ये देखो, और फिर कहती है मुझे फ्रीडम नहीं मिलता, मुझे तो कुछ खाने को नहीं मिलता, मैं तो सो के उठी हूँ अभी। ये बताओ अगर उठते ही ये सब खाने को मिल रहा है तो कितनी ऐश है। ये देखो, सबको पता है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, 26 सालों के मेरे साथ रहते हुए ये मेरी फेवरेट है फ्रूट पेस्ट्री या केक। तुम्हें नहीं पता होगा ये बात आज तक। अगर कभी कंपटीशन हो गया ना और किसी ने तुमसे पूछ लिया तुम्हारी वाइफ को क्या पसंद है, तुम्हें 1% नहीं पता होगा, मेरी वाइफ तेरा केयर नहीं करती। अरे तो टाइम सिर तो खा रात रूत को, ये सुबह उठते ही ये खाने लग गई, भागके जा रही थी क्या ये? हैवी नहीं खाना चाहिए, दिन में भी। तो ये क्या हल्का है ये क्रीम, ये हल्की है ये क्रीम, ये देखियो ये क्रीम हल्की है। रात की बात हो रही है, रात की। सुनो आज मेरी लड़की को क्या हुआ है, वो अंदर जाके लेट गई है, तुमने क्या कहा है उसको बताओ, चल दिए क्या कहा है मेरी लड़की को? फ्रेंड देखिए नो रिस्पांस, आज दीक्षा गोयल जी अंदर लेटी हुई हैं, आई डोंट नो क्या हुआ है, वो बाहर क्यों नहीं आ रही है। दीक्षा नोना, दीक्षा ये कोई सोने का टाइम है। ये देखो ये भाड़ बेटिया भी आ गई हमारे यहाँ। गुल्ला कैसे आया तू? नोना तू आज कैसे सोए जा रही है, पापा ने कुछ कह दिया तेरे को? ये देख ये पता नहीं बाप बेटी क्या कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बापू जी उधर चले गए, बेटी पता नहीं गायब हो गई। ये कैमरा चले जा रहा है मेरा, ये खाली कैमरे के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। किसने बात नहीं करी मुझे बता तू? तुम्हारे सामने बोल रहे थे, गुल्लू मासी से बात कर ले। क्या बोल रहे थे तेरे पापा? गुल्ला ठीक है, तू बाहर आ जा। गुल्ला गुल्ला
जा दीक्षा अब चाय बना लो फटाफट। तू मासी की सगी है, जा जा मासी से मिला जा। चाची चिली पनीर ड्राई, पनीर मलाई टिक्का, पनीर चटपटा टिक्का, पनीर अचारी पनीर, पनीर मसाला पनीर, पनीर अचारा कर ले दीक्षा, पनीर टिक्का। मम्मी अचारी मत करो, गला खराब का चक्कर रहेगा सबका। पनीर टिक्का कर लो नॉर्मल, चटपटा कर लो। चटपटा पनीर टिक्का, ठीक है। अब स्टार्टर्स में बताओ, हनी चिली पोटैटो, वेज स्प्रिंग रोल्स, वेज मंचूरियन ड्राई, मंचूरियन तो हो गया कंफर्म, हरा भरा कबाब। अपने आप से कैसे हो गया? अरे वो तो हो जाते हैं। वेज कटलेट ये भी हो गया, हरा भरा कबाब, फ्रेंच फ्राइज हो गया एक। वो मेरे से क्या पूछ रही है, अपने कर ले तो हो गया तो एक स्प्रिंग रोल भी कर ले फिर। कर रही हूँ सब कर रही हूँ। और कॉर्न चाट वगैरह नहीं है? कॉर्न चाट कौन चाट नहीं, इसमें पांच हो भी गई? नहीं तीन हुई है, अभी तो दो बची है। वेज लोलीपॉप, नूडल रोल, हरियाणी चाप टिक्का, बनारसी सीख, तंदूरी आलू, चिली पोटैटो। ये कर लो नूडल रोल स्प्रिंग रोल की जगह। व्हाट डू यू थिंक चाची? अरे हरियाणी चाप टिक्का कर लो। चाप मैं नहीं खाती। एक चाप कर ले फटाफट टिक्का। अबे ओ मोटा दिमाग, जो फ्रेंच फ्राइज कर रही है तो चिल्ली पोटैटो क्यों कर रही है? एक ही फैमिली का एक ही करना फ्रेंच फ्राइज, सिंपल फ्राइज। तो फिर वो मत करो ना चिल्ली, एक ही चीज होएगी फ्रेंच आलू की, एक ही फैमिली के। हमारे घर में सारा दिन जो आलू 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 खाया जाता है वो। हिटलर हस्बैंड जी तुस्सा खुदे चाय बना के पीन लाग रहे, सो मारी चाय किथे है? मेरे को कई बार समझाया आप मरे स्वर्ग है, मैंने मेरी चाय बनाई है, तेरी खुद बना और पी। देखिए मेरे को चाय नहीं मिल रही है। सोनिका 1,500 का मेरा भी मेकअप का पार्लर बुक करा दियो परसों के लिए। कौन हो तुम? तू 1,500 रुपए कमा रही है ना ये फोन में, तो मेरे मेकअप बुक करा दियो। फोन में कैसे कोई, मैं गेम खेल रही हूँ जो 1,500 रुपए कमा। अरे कोऑर्डिनेट कर रही है ना, मैं तो नंबर दिए 2-3 लोगों के, तो मेरा पार्लर बुक करा देना परसों के लिए, मैं सिंपल नहीं जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? घर पे ही है, हम सारे कहीं नहीं जा रहे। फ्रेंड्स में जा रही हूँ रोके में, तो मेरे लिए पार्लर बुक कराने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये नाट रही है, मेरे लिए पार्लर बुक नहीं करा रही है। दीक्षा देख तेरी सगी बहन मेरे लिए पार्लर बुक नहीं करा रही है 1,500 रुपए में। दीक्षा सोनिका मेरे लिए पार्लर बुक करा दे। फ्रेंड देखे नाट की है मेरे लिए पैसों के लिए। क्या चाय? चाय चाची पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, 2 बार चाय पी ली मैंने तो। बहन तू खुद खड़ी हो और अपने लिए चाय बना और चाची के लिए बना, ऐसा लग रहा है कि दूध, फिर तुम कहोगे कि दूध ज्यादा है कम। सुनो जरा चाय बनाओ मेरे लिए फटाफट से। चाचा आधा कप मैं भी पी लूंगी। लो सोनिका की बना दो। गुल्लू भी कह रही है। गुल्लू नहीं पिएगी चाय। क्या कर रहे हो तुम किचन में? चाय 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 चाचा बना रहे हैं चाय। फ्रेंड्स ये देखिए किचन में क्या कर रहे हैं, जरा ढंग से थैली उधेड़ो। टोकरे लगा रहे हैं और थोड़ी सी चाय बनाओ। टोकरे के बर्तन लगा रहे हैं। दीक्षा चाय आ रही है, मेरे हस्बैंड ला रहे हैं चाय बना के। ओहो माई हस्बैंड प्रिपेयर टी, कप ऑफ टी, 2 cups of tea फॉर मी एंड माई। एक बार सोनिका जी के हस्बैंड के हाथ की भी तो पी के देखो। ओहो चाय मैंने बनाई है ये। चाची आप किसी से मेरे घर हस्बैंड लाए हैं ये चाय बना के, ये स्वादिष्ट चाय। मैं कह रही हूँ हम भी पियेंगे ये। आप किसी दिन सोनिका जी के हस्बैंड के हाथ की भी तो चाय पियो, दूध वाली। नहीं नहीं यूपी वाले दूध वाली नहीं पी सकती मैं, मेरे हस्बैंड की ये पानी जी है। पानी जी चाय चंगी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बना दिया इटली हस्बैंड जी ने चाय, बेचारे अब उबाल रहे हैं गैस पे खड़े होके दूध, नहीं गैस पे खड़े होके नहीं, गैस से अलग खड़े हैं पर दूध उबाल रहे हैं गैस पे, मतलब कि भगोना गैस पे रखा है फ्रेंड्स, वो नहीं बैठे गैस पे, कभी आप गलत मीनिंग समझ लो। फ्रेंड्स मेरे नेल्स देखो अभी तक साफ है। और फ्रेंड्स मेरे देखिए ये 2 उड़ गए। चाची कमेरे लोगों के उड़ ही जाते हैं। देखा तू मानती है ना चाची तेरी कितनी कमेरी है, और ये देखो काम चोरों के नाखून देखो यूं के यूं सज रहे हैं। और मैंने मम्मी से एक दिन पहले कराए थे, जब तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना तो ये होगा मेरे, तो ये भी हिल रहे सारे। आशु के रोके तक तो मेरे चली जाएंगे नेल्स। आशु का रोका हो रहा है? मुझे तो नहीं पता कब हो रहा है। सस्पेंस है ये, क्यों बता? मेरी बहू आ रही है क्या?
मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहरा। मंदिर पे बोल। एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए पड़े पड़ों को मिल रही है चाय। मेरे बेचारे मियाँ जी अपने मायके वालों की सेवा में लगे पड़े हैं। और कुछ हिटलर हस्बैंड जी कहना चाहते हैं जो कहो जी। मंदिर राम मंदिर से पहले महिंद्रा पार्क राजधानी इंक्लेव पे भंडारा फाइनल हो गया। 15 अगस्त को 11 बजे शुरू हो जाएगा। कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी उनके रिश्तेदार, जान पहचान वाले मोस्ट वेलकम। और कोई अपना टिफिन लाए तो पैक करा के भी ले जा सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। बल्ले बल्ले, फाइनल हो गया। आलू की सब्जी, बल्ले बल्ले, पेट की सब्जी, बल्ले बल्ले, साथ में पूरी, खीर नहीं, हलवा बल्ले। बता देती हूँ, लास्ट भंडारा जो हमारा हुआ था उससे, जैसे ये लास्ट भंडारा यहाँ हुआ था तो उससे थोड़ा सा यहाँ जाना है आपको। किधर? यहाँ भंडारा हुआ, यहाँ भंडारा हुआ, यहाँ आपका भंडारा हुआ, हमको यहाँ जाना है। हाँ, उसी रेड लाइट से यू टर्न लेके है शिव मंदिर। राम मंदिर से पहले पड़ता है, अगर हम इस तरफ से देखें तो पहले पड़ता है। और फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ जिन को लोगों को भी हमसे मिलना है, वो 11:30-12 बजे है, क्योंकि मैं उसी टाइम आती हूँ काम से निपट के। कभी आप जल्दी आ जाए तो मैं उससे पहले नहीं पहुँच पाऊंगी। आए थे? हाँ, आपको पता है मुझे घर में कितने काम होते हैं, तो मैं सुबह सुबह जाके 9 बजे भंडारे की जगह पे नहीं बैठ सकती। तो अगर आप लोगों को मुझसे मिलना है तो 11:30-12:30 के बाद आए ताकि मैं आपको मिल सकूं। राखी गोयल, गुल्लू से भी जिसको मिलना है। गुल्लू तो मैं पूछे बजेगा तो काम ही खत्म नहीं होता, वो तो 3 बजे के बाद आना फिर जिन्हें गुल्लू से मिलना है। इसकी मम्मी 3:30 बजे आएगी गुल्लू को लेकर के, वो तब मिल पाएगी। लेकिन आपको पता है एज यूजर आंटी आपकी कमेरी है तो बिचारी क्या करे, 12:00-1:00 तो उसका काम ही खत्म नहीं होता। जब काम खत्म होगा तो भंडारे के लिए आएगी, ऊपर से हिटलर जो शुरू होती है, तो बस बिचारी क्या भंडारे वाले दिन के लिए। राखी एंटरप्राइजेस का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, वो ऑन रहेगा सिर्फ भंडारे के लिए। लोकेशन राखी एंटरप्राइजेस, फ्रेंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल राखी एंटरप्राइजेस। दीक्षा, राखी एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स हिटलर हस्बैंड जी क्या करेंगे, भंडारा बन जाएगा 12 बजे, फिर भी इनको नाश्ता भी चाहिए होगा, तो सुबह उठ के मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है ना फिर क्या होता है, 12 से 1 बज जाता है मेरे काम के लिए। हम तो क्या करेंगे, सीधा भंडारे के टाइम पे भंडारा खाएंगे, तो फिर मैं मिलूंगी 12 बजे के बाद। आप लोगों ने सुन लिया ना चुपके से, इनको सुबह 4 बजे मिल जाऊंगी। मैं सपना तो नहीं देख रही सुबह 4 बजे। फ्रेंड इस भरोसे मत रहना, मैं भी मैं इसके भरोसे मत रहना। तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। राखी एंटरप्राइजेस, राखी एंटरप्राइजेस, राखी एंटरप्राइजेस। गोयल फैमिली वालों ने पता है क्या बोला अपनी वीडियो में एंड में, क्या बोला? कह रहे हैं कि ना फ्रेंड्स हमारे जल्दी से सब्सक्राइबर्स करा दो, आपने गोयल फैमिली नोकझोंक के तो 25,000 करा दिए। मार्केट जा रही हूँ मैं थोड़ा सा जिम में, एक तो हमारी जिम में पैसे ही नहीं होते, सारे बैंक में पैसे हैं फ्रेंड। स्ट्रीट मॉम एक पैसा नहीं निकालने देती मेरे को। अरे सुनो, तुम लोग मार्केट जा रहे हो? थ्रेडिंग अपर लिप्स कराने जा रही हूँ मैं तो। सुनो मेरी भी आईब्रो ले जाओ प्लीज, ये करा लाओ, लाओ मेरा मन नहीं है जाने का। चाची जी तुम्हारा मन नहीं करता ना परमानेंट एक्सटेंशन, पता मेरा आईब्रो का बिल्कुल मन नहीं करता, ले जाओ इनको फोड़ने के लिए, निकाल के इनको करा लो आईब्रो फंक्शन के लिए ना। ये भी मूवी दे दो, आपके यहाँ बहुत बोलते हो आप। रोक के ऐसा पापा कह रहे थे, ये ले जा मेरी आईब्रो निकाल के, अपर लिप ले जा, ये सब करवा लाना, जाओ चाची। नहीं करवाएंगे, ले जाओ निकाल के, करा के लाओ मेरे। ये देखो चल दी है सारी की सारी मार्केट। वो मेरा मास्क, एक रोके के लिए मेरा भी पार्लर बुक कराया ना, 1,500 रुपया है ना। किसका रोका है भाई? वो तो तुम बताओ किसका है, मुझे क्या, मैं कैसे सस्पेंस खोल सकती हूँ? मेरे लिए बस पार्लर बुक करा देना, ये आईब्रो मेरी ले जाओ, ये करा लो। तो नहीं सब जगह मेरा रोका तो नहीं है? तेरा नहीं है, तेरा रोका करा तो दिया, तेरा कितनी बार कराएगी, तेरे नोटी लगा जाए हम तेरी शादी में बार बार। मेरी वीडियो नहीं बनी तो मैंने सोचा कि दोबारा वीडियो बनवा लूं। हाँ फ्रेंड्स इसकी वीडियो नहीं, उस टाइम हम वीडियो नहीं बनाते थे, पर अब यह चोटी वाले भैया की ये बताओ मेरा वीडियो वाला भी वीडियो ना देखे क्या? इसकी शादी की वीडियो भी नहीं आई है, मिसप्लेस हो गई है वो भी, यो भी तो बता। तो अब इनका रोका हो, दीक्षा का हो, निक्कू का हो, चोटी वाले भैया का हो, सबकी वीडियो बनेगी यूट्यूब पर। तो आप लोग तैयार रहिए, फटाफट से सस्पेंस खुलेगा
और आप लोगों को मिलेगी शादी की वीडियो देखने के लिए, सगाई की, रोके की, गोद की, हल्दी की, मेहंदी की, सारे रिचुअल्स की, हमारे बनिया फैमिली की। तो ओके बाय, जाओ, तुम मेरी आईब्रो नहीं ले जा रहे, तुम जानो, मैं रोके में फिर इन्हीं आईब्रोज के साथ जाऊंगी, पर ये पार्लर वाली बुक करा देना मेरी, थोड़ी मैं ठीक तो लगूं कम से कम आईब्रो के साथ में भी। कब का है रोका? परसों का। चलो आ, कुछ खाओगी क्या? मैं तो बाहर जा रही हूँ, बाहर से ले आऊंगी। बाहर जा रही हूँ, बाहर से ले आऊंगी, जो कहोगे। क्या बनाओगी? जल्दी बताओ क्या बनाओगी? घेवर फिरनी नहीं जाओ? अम्मा घेवर, घेवर खाना है क्या? घेवर ले आऊं? खोए वाला, बिना खोए वाला? खोए वाला नहीं, बिना खोए वाला? चलो ठीक है, ओके बाय। एक और राम लड्डू, राम लड्डू एक प्लेट ले आऊं? जो आपको पिछली बार खिलाए थे वो अच्छे थे? हाँ ठीक है, बस चलो बाय। एक प्लेट ना खाऊं? बाय। कितनी देर में आओगी? अभी तो टाइम लगेगा, एक घंटा तो लग जाएगा। एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। क्यों? काम से जा रहे हैं ना थोड़ा। क्या काम जा रही है? है कुछ काम डॉक्टर के, जब मेरे कैप्सूल लिया। बताओ कौन से कैप्सूल है? वो डाने सुबह लेके नींद भाती के पर्चे में लिख रहे होंगे, फिर या बताओगी वो दवाई क्या। तो फ्रेंड्स, हिटलर हस्बैंड जी बना रहे हैं सैंडविच अपने माइके वालों के लिए। एज यूजुअल माइके वाले बैठे हुए, देखिए सारा दिन माइके वालों की सेवा करते हैं ये। ये देखिए फ्रेंड कितनी सेवा हो रही है माइके वालों की। दो ले लो, चार ले लो, सारा पनीर ही खिला दो इन माइके वालों को ही। 500 रुपए किलो का। माँ ये बताओ कि वो भी ले आऊं क्या, राम लड्डू? हाँ लाइए, ले आऊं? जा रही हूँ मैं बाहर। क्या करने जाएगी बताओ, जल्दी बताओ क्या क्या लाऊं? बस वो लिया उठी घेवर लाई नहीं, और राम लड्डू। वैसे अम्मा राम लड्डू तो दिन में खाना, अच्छा है ना, कल ले आऊंगी दिन में। घेवर अभी ले आती हूँ, अच्छा बिना खोए का है ना? हाँ ठीक है। घेवर यही वाला है, ये मच्छर हुए हैं इसमें तो। फ्रेंड यहाँ पे है खोए वाला घेवर, तो अम्मा खोए वाला तो खाएंगी नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेट्स गो, घेवर दे दो जितना कम से कम दे सकते हो, जितना कम से कम दे सकते हो। प्लेन से ज्यादा अच्छा मलाई वाला लगेगा। एक्चुअली दादी को खाना, उनको प्लेन ही चाहिए। कितना कर दूं? जितना कम से कम हो पाए, जितना आपकी दादी खा पाए। कितना कितना हो पाएगा? जितना कम से कम दे सकते हो आप उतना दे दो, क्योंकि उन्हीं को ही खाना है। टाइट है क्या? टाइट है, टाइट टाइट नहीं, छोटा सा होता ही है, सॉफ्टनेस थोड़ी सी मलाई के बाद आती है। नहीं बस उनको वही था, वो उनको पसंद नहीं वाला। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये क्या होता है। बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है खाने में ना, लाइट मीठे वाला होगा कुछ, ऐसा लग रहा है मैंने खाया भी है कभी। बड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बढ़िया है ताजी, प्लेट लिया ऊपर से ले आऊं डाल के? ऊपर से डाल के ले आती हूँ। अरे अम्मा अब अंदर चूहे हो गए, 2 मिनट लगेंगे, ऊपर से ले आती हूँ। सही है, सॉफ्ट है। ये पीछा घेवर लाई तू काला काला? अम्मा बढ़िया जगह से लाई हूँ, बीकानेर वाले पे तो मच्छर मरे हुए थे। आप आगे आगे का खाओ ना, पीछे का क्यों खा रहे हो? पता है क्या है, बिना खोए का केड़ा ही होता है। वो हर जगह यही कह रहे कि भाई आपकी दादी को खाना है, बिना खोए का केड़ा मिलेगा। जला नहीं है अम्मा, ऐसी सिक्का हुआ होता है। सही है खाने में? दवाई दे दिए गले वाली, तो पहले अभी ये खा लो, 15 मिनट इसके 15 मिनट बाद दूंगी। थोड़ा और ले आऊं? थोड़ा सा और
लाओ यही कटोरी दे दो, इसी में ले आती हूँ। मम्मी अम्मा पहले कहती यू जला और टाइट टाइट सा क्यों ले आई, अब कह रही है थोड़ा और ले आ। दो चलती तो मम्मी यार मुझे बेडशीट तो भेज दू। राखी एंटरप्राइजेज जी बेडशीट्स डाल रही है, इनकी फोटोज फोड़ दू। पहले अब्बा को इतना खाना तो फिर अम्मा खाती नहीं है। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ दोबारा देने। लो और लाना है या बहुत है? बहुत। चलो अभी इसको खा लो, फिर 10-15 मिनट बाद दवाई मिलेगी। अब फ्रेंड्स घेवर के बाद अम्मा का हो गया है दवाई टाइम, चलो देते हैं दवाई। दो चम्मच पीनी है। गले में है फर्क इससे? है। खाना खा लिया था आपने आज? बस खिंडेगी। ढक्कन ढक्कन लो, एक ये गोली खा लो, चूसनी है ठीक है। मैं जा रही हूं। ओहो अपने बेटे के लिए तो लगा दिए मम्मी आपने। तेरे लिए तो मैं कुछ करती ही नहीं हूं। दो हाथ पर मेरे पापा ने लगाए हैं मेरे सैंडविचेस। कोई बात नहीं, एक ही बात है, माँ ने लगाए पापा ने लगाए। आपने मना कर दिया था लगाने से। अब तेरे पापा ने लगाए हैं लड़के के लिए। दुहातपन के तुमने मेरे साथ। कह सकता दुहातपन? उसकी माँ आगे से आगे करेगी तो उसको क्या दुहातपन फील होएगा? पहले वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं इस बात के लिए कि अपने लड़के के कपड़े भी खोल खोल के देखे, तू ज्यादा मत बोल। सही कमेंट कर रहे हैं आप, मेरे कपड़े देखते हो कभी खोल खोल के? हां खोल खोल के करते हैं अभी ये क्या।